हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं हरियाणा पुलिस से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से देखेंगे और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप जैसे ही लोग जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बीर बारा वन अभ्यारण्य किस जिले में है? आपके ऑप्शंस हैं जींद, कैथल, भिवानी और रोहतक। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सो फटाफट कमेंट करिए। तो गाइस, इसका सही आंसर है ए, जींद। जिस किसी ने भी ऑप्शन ए राइट आंसर किया है, उसका आंसर बहुत सही है। ऐसे ही हमें कमेंट करते रहिए आंसर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट, भारतीय महिला क्रिकेटर सैफाली वर्मा हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं? आपके ऑप्शंस हैं पानीपत, सोनीपत, करनाल और रोहतक। फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी आंसर डी को चूज किया है, बहुत सही आंसर है। इसका आंसर है रोहतक। रोहतक जिले से संबंध रखती हैं महिला क्रिकेटर सैफाली वर्मा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के नायब कोतवाल थे? ठीक है फ्रेंड्स, गाइस ऑप्शन से आपके मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, गाजियाबाद। आंसर पता है तो हमें कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेरठ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान किस भारतवंशी शासक ने शुरू किया था? आपके ऑप्शन हैं दुर्योधन, सुदास, करण और लक्ष्मण। आंसर पता है तो हमें कमेंट करिए, आपके पास कुछ सेकंड्स का टाइम है। जिस किसी ने भी ऑप्शन बी को अपना आंसर चूज किया है, उसका आंसर बहुत सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी, सुदास। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट, समुद्र गुप्त कालीन सिक्के किस स्थान पर पाए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं बरवाला, अग्रोहा, मिताथल और जगाधरी। तो गाइस, इसका सही आंसर है सी, मिताथल। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से ध्यान देके इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट, स्टेल पत्थर का विशाल भंडार रेवाड़ी में किस स्थान पर मिलता है? आपके ऑप्शन से गुरुग्राम, कुंड, महेंद्रगढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, जिस किसी ने भी इसका आंसर बी लगाया है, बहुत सही आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा बी, कुंड। देखिए नेक्स्ट, सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं वीरभान, गरीबदास, चौरंगीनाथ और इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें आंसर कमेंट कर सकते हैं। जिस किसी ने भी आंसर ए किया है, उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है ए, वीरभान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर छोटू राम का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन है रामरिच पाल, राम निवास, राम स्वरूप और राम मेहर। आंसर पता है तो हमें कमेंट करिए, वरना वेट करिए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है रामरिच पाल। सर छोटू राम का वास्तविक नाम रामरिच पाल है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, रानी चौदाही किस रियासत से संबंधित थी? आपके ऑप्शन है बनावली, कलसिया, जिंद और रानिया। आंसर पता है तो हमें कमेंट करिए। हाँ दोस्तों, जिस किसी ने भी आंसर सी को चूज़ किया है, उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है सी, जिंद। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है साहिब कौरन, जागीर कौर, गुरजीत कौर और सूरज कौर। तो गाइस, इसका सही आंसर है डी, सूरज कौर।
फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप जैसे ही लोग इस वीडियो का भी फ़ायदा उठा सके, लाभ उठा सके, जो कि हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर देने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।